नमस्कार, सच कहूं हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 12 नवंबर सुबह 4 बजे से फंसे मजदूर अभी भी मौत से लड़ रहे जंग। 6 दिन तक अंदर फंसे लोगों की संख्या बताई जा रही 40, लेकिन शनिवार सुबह एक मजदूर की संख्या बढ़ गई। संभव है कि अंदर और भी मजदूर फंसे हो सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में चुनावी अभियान पर भरतपुर में चुनावी जनसभा को कर रहे संबोधित। मोदी ने कहा कि वादा किया है भाजपा सरकार बनते ही राजस्थान में पेट्रोल डीजल के रेट की समीक्षा की जाएगी और लोक हित में निर्णय जल्द लिए जाएंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से, चुनावों के नतीजे डालेंगे सर, यूसीसी कार्ड चल सकती है भाजपा। महुआ राघव पर हंगामा, संभव चुनाव नतीजों से ही तय होगा कि लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में कौन ज्यादा अपनाता है आक्रामक रूप। तिहाड़ जेल से अमृतसर कोर्ट पहुंचे सांसद संजय मजीठिया की मानहानि मामले में चल रही सुनवाई, पत्रकारों से बोले, तानाशाही के खिलाफ जंग रहेगी जारी। बता दें कि मानहानि केस की शुरुआत पंजाब में 2017 विधानसभा चुनावों से पहले 2016 में हुई थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सीएम मान पहुंचे होशियारपुर, 867 करोड़ के कार्यों का किया शुभारंभ। मेडिकल कॉलेज, आर्मी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की रखी आधारशिला, वहीं कई मुकम्मल हो चुके प्रोजेक्ट लोगों को किए समर्पित। मोहाली पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस के 3 गुर्गे पकड़े, एक हरियाणा से दबोचा। तीनों ट्राइसिटी से लोगों को धमकाकर वसूलते थे मोटी रकम। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में जल्द कर सकते हैं प्रेस वार्ता। पंजाब के 11 जिलों के एसएसपी को नोटिस जारी, पराली जलाने के बढ़ते मामलों पर डीजीपी से मांगा जवाब। इनमें बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फाजिलका, फिरोजपुर, लुधियाना, मोगा, मुक्तसर, संगरूर के साथ साथ पुलिस जिले अजगराहो व खन्ना के एसएसपी भी शामिल। रेल यात्रियों को झेलनी पड़ सकती है परेशानी, 62 ट्रेनें 3 महीने के लिए कैंसिल। कोहरे को लेकर भारतीय रेल ने लिया ये फैसला। हरियाणा, पंजाब, यूपी और बिहार के यात्रियों को दिसंबर से फरवरी 2024 तक झेलनी पड़ेगी परेशानी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा में आने की चर्चाएं शुरू। नारनौल में NH-152D के उद्घाटन की तैयारियां शुरू, प्रशासन ने देखी कार्यक्रम की जगह। बता दें कि नारनौल से कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद तक नेशनल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हाईवे का उद्घाटन कर सकते हैं पीएम मोदी। हरियाणा के जिला अंबाला में पकड़ी शराब की अवैध फैक्ट्रियां, पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस प्रशासन बल के साथ मौके पर पहुंची। गांव धनोरा बिजलपुर के बीच खेतों में बनी अवैध फैक्ट्री पर चलाया बुलडोजर। सच कहूं न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सच कहूं हिंदी चैनल।